अगर आप अपने एटीएम का पिन भूल गए हैं तो क्या करेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई एटीएम कार्ड का पिन कैसे रीजनरेट करना है वो दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको एसबीआई एटीएम मशीन पे जाना होगा। आपको अपने साथ बैंक का पासबुक, एटीएम कार्ड और रजिस्टर मोबाइल नंबर वाला मोबाइल साथ में ले जाना है। आपको अपना कार्ड एंटर करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी दो अंक डालना है और यस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा प्लीज एंटर योर पिन। तो आप अपना पिन तो भूल चुके हैं, तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है पिन जनरेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालना है और यहाँ पे प्रेस इफ करेक्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है जो कि अपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर है। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे प्रेस इफ करेक्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ट्रांजेक्शन प्रोसीड, तो थोड़ी देर आपको वेट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रांजेक्शन कंप्लीट, तो आपको अपना कार्ड निकाल देना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया होगा जिसमें आपको 4 डिजिट का पिन मिला होगा जो कि वर्ड्स में लिखा होगा। जो अंक में लिखा है वो आपका एटीएम कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट होगा। इसके बाद आपको अपना कार्ड फिर से एटीएम मशीन में डालना है। यहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 2 संख्या डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा एंटर योर पिन, तो यहाँ पे आपको अपने मैसेज में जो वर्ड्स में लिखा हुआ पिन आया था वो 4 डिजिट आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन में बैंकिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना पिन चेंज करना है, तो यहाँ पे पिन चेंज पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे अपना जो भी न्यू पिन रखना हो वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जो नया पिन रखना है वो फिर से यहाँ पे री एंटर पिन में डालना है। आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोसीड दिखाई देगा, तो थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। इसके बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना कार्ड निकाल डालना है और नीचे कैंसिल पे 2-3 बार दबा देना है। तो आपका ये न्यू पिन बन गया। तो ऐसे आप अपना पिन भूल गए तो ऐसे रीजनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू दोस्तों।